Welcome students of 6th class. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah who is most gracious and will save us from this pandemic. Today we will discuss our question number 5. Describe the prominent features of the Indus Valley town planning. Town valley jo Indus Valley ki town planning thi, yani unhone ke gaon jo the wo kis tarah se banaye hue the, uske prominent feature yani uski khususiyat bayan kare. The answer of the question is art of construction. The people of Indus Valley had excellent intimacy with art of architecture. फ़न तमीर के साथ जो वादी सिंध के लोग थे उसका गहरा ताल्लुक था. सिटीज़ एंड टाउन्स हैड बीन कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट टेक्निक एंड प्लानिंग. वहाँ पर जो शहर और गांव थे वो एक ख़ास प्लानिंग ख़ास टेक्निक के ज़रिए से बनाए जाते थे. ब्रिक्स वर्क यानी ईंटों का काम. आर्टिस्ट हैड नाउन द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड बेकिंग द ब्रिक्स. जो आर्टिस्ट थे वहाँ के जो फन तमीर थे यानी जो माहरीन थे वो जानते थे कि ईंटों को किस तरह से बनाना और पकाया जाता है. जैसे कि आजकल भट्टे में ईंटें पकाई जाती हैं, ये काम उस वक्त वादी सिंध में भी होता था. दे मेड द फाउंडेशन ऑफ हाउसेज प्रोफाउंड डीप. वो घरों की जो फाउंडेशन थी जो बुनियादें थी उन्हें काफ़ी मजबूत और गहरा बनाते थे. हाउसेज हैड बीन बिल्ड ऑन द एजेस ऑफ सिटीज रोड. जो घर थे वो गली शहर की जो सड़कें थी उनके किनारों पर बनाए जाते थे. बेक्ड वर यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन. जो पकी हुई ईंटें थी वो इस्तेमाल की जाती थी इनको बनाने के लिए. Every house had bathroom which had been made. हर घर का एक बाथरूम था जो कि बनाया गया था. Towards outer street जो गली के बाहर की जानेब वॉशरूम बनाए गए थे. There was a reasonable arrangement of light. वहाँ पर एक अच्छी जो लाइट की अरेंजमेंट्स थी. And air in houses यानी घर को कुशादा और रोशनदार बनाया जाता था. Roads had been constructed with such style in ancient हड़प्पा. जो सड़कें थीं वो पुराना जो हड़प्पा शहर था उसमें कुछ इस तरीके से बनाई गई थी. दैट पीपल कुड ईजीली मूव अमॉन्ग डिफरेंट टाउन्स एंड स्ट्रीट्स. के लोग जो थे वो बड़ी आसानी के साथ गाँव और सड़क जो वहाँ की गलियाँ थीं उनमें मूव कर सकते थे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5. I hope that you have understand this question. Students, we have